अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ रखा है और उस तरफ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल एक ही एमसीक्यूज है। सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ को समझाती हूँ। इट हैज लॉन्ग बीन नोन that when exposed to light under suitable conditions of temperature and moisture, the green parts of plants use carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen to it. These exchanges are the opposite of those which occur in respiration. This is called photosynthesis. इसमें ये कह रहा है कि हम बहुत अर्से से ये जानते हैं कि जब हरे पार्ट जो हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स हरे पार्ट्स जो हैं प्लांट के, जब उन्हें हम लाइट में एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज का मतलब उन्हें विजिबल करते हैं, लाइट के सामने लेकर आते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मतलब कि हम उन्हें एक सुइटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और एंड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन टू इट, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ऐसे से जानते हैं कि जब हम जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के उन्हें एक्सपोज करते हैं लाइट में, जब उन्हें हम लाइट के सामने रखते हैं उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर, जब उन्हें टेम्परेचर और मॉइस्चर भी अच्छा मिलता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उसके बदले में वो रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही, यानी कि वो अपना फ़ायदा ले लेते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और आप कुछ आप एटमॉस्फेयर को भी फ़ायदा प्रोवाइड कर देते हैं, किसकी उसमें क्या देकर ऑक्सीजन देकर, ठीक है। इस एक्सचेंज दीज एक्सचेंजेस आर अपोजिट ऑफ दोज विच अकर इन रेस्पिरेशन, ये जो एक्सचेंज है जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट है रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन में क्या होता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को देते हैं, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला प्रोसेस है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बाय द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है कि बनना, कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर होती है वो बनती है किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है ऊपर बताया गया है, और H2O ये कहाँ से ले रहा है सॉइल से ले रहा है, ज़मीन से ले रहा है, मट्टी से ले रहा है, बाय द अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लेके क्या करते हैं इसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके प्लांट सेल्स में, जो प्लांट के सेल्स होते हैं ना छोटे छोटे उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्लोरोप्लास्ट की मदद से लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जो इस पैराग्राफ में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब हमें पता है अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक तो जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो बनती है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ बनती है, तो ऑक्सीजन क्या है इसकी एक और प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की, ठीक है। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज। अगर हम एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल वो प्लांट रिलीज करेगा। अब इस पूरे फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन दी है साइंटिस्ट ने, वो ये है कि जब प्लांट जो है लाइट की प्रेजेंस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल को यूज़ करता है लाइट की प्रेजेंस में, ऊपर जैसे कि बता दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में जाके फिर ये सिंथेसाइज करता है क्या कार्बोहाइड्रेट, ये किसका फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, और 6 मॉलिक्यूल H2O के
सॉरी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनाता है, क्योंकि ऊपर बताया गया है फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज हुए हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के उसने रिलीज किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O टू फॉर्म शुगर रिजल्ट इन एन एक्सिस ऑफ। इसमें ये कह रहा है कि जब कॉम्बिनेशन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का टू फॉर्म शुगर, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो ये शुगर बनाते हैं। लेकिन ये एक और चीज़ एक्सिस में बनाते हैं, वो क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ऑक्सीजन भी इसकी प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की, जैसा कि आपको रिएक्शन में भी नज़र आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी, जिसमें O2 लिखा हुआ है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि द प्रोसेस डेट इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। एक ऐसा प्रोसेस बताना है जो कि अपोजिट हो फोटोसिंथेसिस का। पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, बी है ऑक्सीजन, सी है डिफ्यूजन, डी है रेस्पिरेशन। तो अब हमने जैसा कि पैराग्राफ पढ़ा था, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मतलब प्रोसेस बताया हुआ है, उसका अपोजिट उन्होंने बताया हुआ था कि इस लाइन में लिखा है दीज चेंजेस आर द अपोजिट ऑफ दोज विच अकर इन रेस्पिरेशन। मतलब कैसे हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस का अपोजिट कौन सा है? रेस्पिरेशन। बिल्कुल साफ साफ लाइन लिखी हुई है, तो इसका आंसर होगा डी। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, देखते हैं वो क्या है। इन फोटोसिंथेसिस वाटर, फोटोसिंथेसिस में वाटर मतलब रोल बताना है वाटर का। ए ऑप्शन है मस्ट बी प्रेजेंट, लाजमी मौजूद होना चाहिए। बी इज प्रोड्यूस इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में प्रोड्यूस होता है। सी इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की तरह स्टोर होता है। डी इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को ख़राब करने की वजह बनता है। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि वाटर जो है जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आती है और H2O जो सॉइल से आता है, ये ज़रूर होना चाहिए। तो ए मस्ट बी प्रेजेंट इसका बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम नीचे वाले भी क्लियर करते हैं कि बी इज प्रोड्यूस इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में प्रोड्यूस होगा नहीं, उसके साथ तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है इक्वेशन में। इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, ये बात भी नहीं हो सकती क्योंकि द केमिकल एनर्जी का कोई जिक्र ही नहीं है। इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को तो ये इंटरप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसी की वजह से तो रिएक्शन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट जब तक बनेगा नहीं जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए है, मस्ट बी प्रेजेंट। अब हमारे पास फोर्थ सवाल है, उसमें यह है कि द टाइटल दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडियाज इन दिस पैसेज इज ए अ केमिकल इक्वेशन, बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी द पार्ट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, डी द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। इस सवाल में ये कह रहा है कि ये जो हमने पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब किया है, इसमें कौन सा आइडिया देना चाह रहा है, इसका बेस्ट टाइटल इनमें से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहला तो ऑप्शन है अ केमिकल इक्वेशन। देखा जाए तो इसमें केमिकल इक्वेशन दी तो हुई है, लेकिन इसमें डिस्क्राइब इतना अच्छे से केमिकल इक्वेशन को नहीं किया हुआ, बस सिर्फ एंड में लाइन लिख दिया इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हम बेस्ट आंसर के तौर पर देखें तो ये लग रहा है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया गया है कि वो क्या होता है, ठीक है, उस पर ही ज़्यादा फोकस रखा गया है। सी द पार्ट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, इसमें
वस्कुलर प्लांट्स के पार्ट्स को बताया गया है, ऐसा तो कोई उसमें मतलब सीन ही नहीं दिख रहा है कि इनमें बताया गया हो कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वस्कुलर प्लांट्स के, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर कैसे बनती है इसकी प्रोडक्शन को, तो अब यहाँ पर वाजह अल्फाज में नहीं लिखा हुआ है कि अब शुगर तो बहुत तरीके से बना सकते हैं ना हम, ठीक है, अभी ये तो प्लांट की बात हो रही है स्पेशली, तो अगर यहाँ पर लिखा होता द प्रोडक्शन ऑफ शुगर स्पेशली इन प्लांट्स तो मे भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट जिसका ऑप्शन है वो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इस पैराग्राफ में ज़्यादा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे ही फोकस किया गया है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा। तो यह हमने देखा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम और भी बहुत से पैराग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।